हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं गर्मा गर्म मूली पराठा बना रही हूँ, तो सोचा रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करना। ये 2 मीडियम साइज़ मैंने मूली लिया था, उसे पिल ऑफ करके कट कर लिया मैंने, और ये 8-10 कली लहसुन की ले रही हूँ, और एक टुकड़ा अदरक का लिया है मैंने। 4 ग्रीन चिली यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं, आप जितनी आपको तीखी पसंद हो उसके अकॉर्डिंग ऐड कर लेना। थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड करेंगे, और वाटर बहुत ही थोड़ा ऐड करना है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे हम लोग। अभी ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया है। अभी यहाँ मैं 1.5 कप यहाँ पे आटा ले रही हूँ। आटा मतलब मैं बोलूँगी नॉर्मल टी कप से आप मेज़र कर लेना। टेस्ट अकॉर्डिंग सॉल्ट, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन हैंड पे स्क्रब करके इस तरह से ऐड करेंगे, इससे थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अभी इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, एंड देन मिक्स करने के बाद हमने जो बैटर बनाया था, मतलब जो पेस्ट बनाया था हमें, उसे इसमें ऐड करेंगे। और इसमें वाटर ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे बस इसी में इस तरह से मिक्स करके इसका एक डो बना लेना है हमें। नॉर्मल जैसे हम लोग रोटी वगैरह का डो बनाते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही ये बन जाएगी। और इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करना आप। आटा अगर ज़्यादा आपको गीला लग रहा हो तो थोड़ा ऊपर से आप और आटा ऐड कर सकते हो, बट इसमें वाटर ऐड नहीं करना। अगर टाइट हो रही हो तो थोड़ा सा वाटर ऐड कर सकते हो, बट ये टाइट नहीं होगी अगर आप मेज़र करके सही से लोगे तो। बस इसे इसी तरह से मिक्स करते हुए इसका एक डो बना लो। अभी देखो ये मेरा डो रेडी हो गया है। इसे हम लोग 5 मिनट रेस्ट करने के लिए कवर करके रख देंगे। जब भी 5 मिनट हो जाएगा तो फिर से उसे हम लोग मिक्स करके उसका, ये देखिए हमारा 5 मिनट मैंने रेस्ट कर दिया, फिर इसे हम लोग मिक्स कर ले रहे हैं। और इसका एक छोटा सा लोई बना लेंगे। लोई बनाकर हमें इसका बस रोटी बेल लेना है। रोटी बहुत ही जैसे आप नॉर्मली बेलते हो वैसे ही बेलना है। उससे थोड़ी सी ये थिक होगी, मतलब थोड़ी सी उससे मोटी होगी, ज़्यादा पतली नहीं करना है। बस जैसे मैं बेल लूँ एग्जैक्टली वैसे ही आप भी कर लो। ये देखिए मेरा रोटी भी रेडी हो चुका है, इसे बस इतना ही ठीक रखना है। अभी इसे हम लोग दोनों तरफ से अच्छे से सेक लेंगे, मतलब गोल्डन ब्राउनिश होने तक इसे सेकेंगे। घी, बटर, ऑयल आपको जो भी पसंद हो उसे आप इसमें लगाकर अच्छे से सेक लो। और गैस का फ्लेम आपको मीडियम टू लो रखना है, फ्लेम आपको हाई नहीं करनी है, नहीं तो ये जल्दी से जलना शुरू हो जाएगी तो आपको लगेगा ये रेडी हो गया, बट ऐसा नहीं है। लो फ्लेम पे इसे या फिर मीडियम पे आप कुक करना। तो फिर जैसे ये गोल्डन ब्राउनिश हो जाए दैट मीन्स ये रेडी हो गई है। फिर आप इसे सब्जी के साथ या फिर अचार या फिर चटनी जिसके भी साथ आप सर्व करना चाहो, गर्मा गर्म सर्व करो, ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना।